तो काफ़ी टाइम से आप लोग ITI परीक्षा की डेट का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप लोग में से जो बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो फाइनली एक नोटिस जारी हुआ है, ठीक, आपके एग्ज़ाम को लेकर एक टाइम टेबल जारी हुआ है आपके एग्ज़ाम को लेकर, और मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जनवरी में जो है उसकी जो परीक्षा की डेट घोषित की गई, लेकिन रुको मेरी बात सुनो, अभी जो है मैं आपको सब कुछ कंफर्म करने वाला हूँ कि आखिर नोटिस आया कहाँ से है। ये नोटिस जो है अभी आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी चैनल पर भी देख रहे होंगे, तो आपको बताऊंगा कि ये नोटिस आखिर आया कहाँ से है। आपको NCVT साइट पर तो ये है नहीं, तो ये नोटिस आखिर आया कहाँ से है और कितना सच है और कितना झूठ, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। क्या सच में जो है आपकी परीक्षाएं होंगी और कब, मतलब जो इसमें नोटिस में दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, टेंशन मत लेना कि कब तक जो है आपका जो है परीक्षाएँ कराई जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नोटिस जो है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, मतलब सही से नहीं दिख रहा होगा। तो ये नोटिस जो है जारी किया गया है, अब वैसे तो ये DGT की ओर से जारी किया गया है, अगर आपको सही तरीके से दिख रहा होगा तो इसमें दोस्तों लिखा गया है जो है इन्होंने, आप ऊपर देख सकते हो कि ड्यूअल सिस्टम और जो है सेमेस्टर वाइज का जो है इन्होंने टाइम टेबल जारी कर दिया है, और ये DGT का जो है एग्जामिनेशन ट्रेनी एडमिट जो है एडमिट इन सीजन अगस्त 2019, जिनका 2019 में एडमिशन हुआ है, ठीक है, उनके लिए, और जिनका 2018 में एडमिशन हुआ है, देखिए सिर्फ उनके लिए है। और मैं आपको बता दूँ, आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि ये फर्स्ट ईयर वाला क्या सिस्टम है और सेकंड ईयर वाला क्या सिस्टम है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर के वाले भी देख रहे होंगे जो फर्स्ट ईयर में है, तो उनको भी सब कुछ जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, सब कुछ आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर भी इसमें आपको बता दूंगा क्या सिस्टम है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये नोटिस आया कहाँ से है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें दिया गया है 4 जनवरी, 4 जनवरी को जो है इन्होंने परीक्षाएं बताई गई हैं, 4 जनवरी को जो है आपका पेपर होगा सेकंड ईयर का, ठीक है, और आपका ट्रेड थ्योरी का, और आपका सेमेस्टर का जो है सेकंड जो है आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर वर्कशॉप, जिनकी बैक वगैरह है सेमेस्टर का, इन्होंने देख रहा है जिनकी बैक है भाई, सेमेस्टर में तो वही होंगे जिनकी बैक आई हुई है, ईयर वाला तो कोई मतलब बताऊँगा ईयर वालों का कब है, ठीक है। फिलहाल इन्होंने दिया गया सेमेस्टर में जिनकी बैक है, ऑल ट्रेड 1, 2, 4, तो थोड़ा सा कट आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये है इन्होंने दिया है चार, मतलब 2 दिन ही, मतलब जो है इन्होंने एग्ज़ाम कराने को कहा गया है, 2 दिन ही, सिर्फ 4 और 5 को ही, ठीक है। और 5 तारीख में क्या है आपका, जो आपका बचा हुआ है मतलब वर्कशॉप का, कैलकुलेशन साइंस का, ये पेपर आपका 5 तारीख में कराया जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। अब ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्या माज रहा है, सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, आगे वीडियो में आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेता हूं मैं आपको कि ये मेरे पास मतलब जो है ये नोटिस आखिर आया कहां से है, ठीक है, ये नोटिस आखिर आया कहां से है। आपको दिख रहा होगा वैसे तो पूरा, मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल DGT की ओर से, मतलब DGT वाला सिस्टम है, DGT का मतलब ये है नोटिस है, ऐसा नहीं कि फेक है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि कुछ टाइम पहले, यानी कि सुबह के टाइम लगभग जो है ये नोटिस जो है साइट पर डाला गया था, ये नोटिस जो है साइट पर डाला गया था, तो जिसने जिसने भी ये डाउनलोड किया, ठीक है, जिसने जिसने भी ये डाउनलोड किया उसने मतलब अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उन्होंने वहाँ पर डाल दिया कि ये एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं और हमने जो है ये NCVT पोर्टल पर डाउनलोड किया है। हालांकि वो लोग भी सही हैं, उन्होंने मतलब NCVT की साइट पर ही डाउनलोड किया है उन्होंने, वो भी लोग भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है साइट पर से ये नोटिस हटा दिया गया, ठीक है, तो ये नोटिस जो है साइट से हटा दिया गया। अब इसका क्या चक्कर है दोस्तों, देखिए अगर ये एग्ज़ाम डेट कन्फर्म होती 4 तारीख, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कन्फर्म नहीं है, अगर दोस्तों ये एग्ज़ाम कन्फर्म होती तो अगर इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन ना करना होता तो हटता नहीं, ठीक है, यानी कि इसमें अभी और करेक्शन करना बाकी है, इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करना बाकी है, इसमें क्या पता चेंजेस क्या हो जाए, क्या पता एग्ज़ाम डेट की फिर से पलट जाए, या फिर क्या इसमें चेंजेस हो, डेट वही रहे या फिर आपके पेपर बदल जाए, तो अब ये देखना बाकी है कि इसमें क्या चेंजेस होता है,
फिलहाल तो ये नोटिस तो सही है, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि आपकी 4 तारीख को ही परीक्षा ये नहीं मतलब होंगी। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट बन रहा है कि 4 तारीख को होगी, लेकिन मैं आपको बता दोस्त, अभी तक जो है NCVT साइट पर ही ऐसा आपको कहीं भी, अगर आप खुद मेरी बात ना मानो, आप खुद जो है NCVT साइट पर जाओ तो वहाँ पर आप देख लो, ये आपको नोटिस नहीं मिला। मैंने भी काफ़ी सारे चेक किया वहाँ पर, और अदर DGT की मेन साइट पर भी मैंने ये नोटिस जो है चेक किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब शायद वो है जो कुछ टाइम के बाद शायद अपलोड भी हो जाए, तो वो देखते हैं कब अपलोड होगा ये नोटिस और क्या इसमें जो है करेक्शन वगैरह होगी। ठीक है, अब देखेंगे ये। अब मैं आपको बता दूँ, इन्होंने इसमें जो क्लियरिटी, मैं आपको बताऊँगी इन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का क्या चक्कर रखा है। इन्होंने मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, जिनका एडमिशन 2019 में हुआ है और 2 साल के ट्रेड वाला, तो सिर्फ उनका नहीं है। ठीक है, वो तो अपना एक तरह पे रही है जिनका फर्स्ट ईयर आपकी बार, लेकिन जिनका 1 साल का ट्रेड है, जिनका किसका है 1 साल का ट्रेड है, जैसे आपका डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, कोपा हो गया, तो उनका जो है इन्होंने एग्ज़ाम की डेट दी है दोस्तों। ठीक है, ना कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सिर्फ 1 साल की ट्रेड वालों के लिए और सेकेंड ईयर वालों के लिए, इन दोनों के लिए ही है। और जो आपके जो है ना फर्स्ट ईयर वाले, तो उनके लिए अभी कोई भी नोटिस उन्होंने नहीं दिया है, उनके लिए नहीं है। आप टेंशन मत लेना, कभी आप भी सोच रहे हो कि इसमें फर्स्ट ईयर दिया है, फर्स्ट ईयर तो आप लोगों का नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूँ आप लोगों का नहीं है। तो ये नोटिस अब देखते हैं कि कब तक जो है आपकी साइट पर जो है अपलोड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर इसमें मतलब पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसमें जो है मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है जो है कि आपकी जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कराए जाएंगे। सिर्फ जो आपके बैक पेपर है ना, आपको दिख रहा होगा इसमें सेमेस्टर का दे रखा है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम कब दे रखा है। तो ये तो दोस्तों आपके ये तो कंफर्म है कि आपके जो है ऑफलाइन ही आपके कराए जाएंगे, लेकिन इनका जो मतलब सेकंड वाले के जो 2 पेपर रह गए हैं, वर्कशॉप का और आपका ट्रेड थ्योरी का, इनका जो है इन्होंने नहीं बताया कि ये मतलब ऑनलाइन कराए जाएंगे या फिर ऑफलाइन। हालांकि अभी तक तो जो उन्होंने नोटिस के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो वो तो आपका ऑनलाइन ही बैठ रहा है सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसमें तो उन्होंने कन्फर्म नहीं किया है कि क्या शायद उसमें भी यही करेक्शन होता हो। अब देखना यह कि क्या इस मतलब हम तो अपनी तरफ से ही मान सकते हैं ना, हम तो मतलब कंफर्म तो नहीं कर सकते, तो ये सिस्टम बैठ रहा है यार। अब देखना यह कि आप भी चेक करते रहना NCVT की साइट पर कि कब ये जो है नोटिस अपलोड हो। NCVT MIS डाल देना, आपको किसी मतलब भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि कब ये यूट्यूब चैनल जो है मतलब नोटिस देगा तो तभी आए मतलब हम मानेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप अपने आप भी जो है NCVT MIS के टच में रहिए। ठीक है, सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, NCVT MIS डालिए क्रोम ब्राउज़र में या गूगल वगैरह में, जो भी आपके पास ब्राउज़र होगा उसमें जो पहली वेबसाइट मिलेगी आप उस पर ही क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी, वहाँ पर सब कुछ जो है नोटिस वगैरह आपको मिल जाएंगे। चेक करना आप भी, क्योंकि अब हर वक्त तो मतलब मैं चेक नहीं कर पाता, मतलब शायद आप लोग मुझसे पहले चेक कर लो तो आपको मिल जाए मतलब ये जब ये नोटिस अपलोड होगा, लेकिन फ़िलहाल तक तो दोस्तों जब मैंने चेक किया तो अभी तक तो नहीं था। और ये बताया जाए कि सुबह के टाइम था, सुबह से मतलब शायद 9-10 बजे के समथिंग, तो उस टाइम था ये, उसके बाद ये है मतलब काट दिया गया था, वहाँ से डिलीट हो गया। अब शायद कुछ करेक्शन, तो मैंने जैसे दोबारा बताया कि करेक्शन तो होगा जरूर इसमें, तभी तो उन्होंने काटा, या फिर डेट में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो ये मतलब ये कन्फर्म मत सोचिएगा कि 4 तारीख की जो है आपकी कन्फर्म है। ठीक है, लेकिन हाँ ये तो इस बात का तो मतलब सोच सकते हैं कि जो है आपके एग्ज़ाम जो है जनवरी में कराए जाएंगे, और कराए जाएंगे ये नहीं कि सेकेंड ईयर वाले प्रमोट होंगे। कभी चक्कर में रहो प्रमोशन का, तो प्रमोशन का अब तो कोई भी चक्कर आपका ख़त्म हो चुका है प्रमोशन का। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, जैसे ही कोई जो है NCVT के ओर से जो है लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर भी आप एक बार अपने मतलब चेक करते रहिएगा, वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, जैसे ही कोई अपडेट या न्यूज़ आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब मैं करता हूँ समाप्त, और क्लास मैंने स्टार्ट कर रखी है, तो प्लीज़ जितने भी मेरे भाई सेकेंड ईयर में हो ना, तो प्लीज़ जो है क्लास देखते रहिए, क्लास दे रहा हूँ यार मैं थ्योरी वगैरह की। और अगर किसी अन्य ट्रेड से हो ना सेकेंड ईयर में, तो कमेंट कर देना, तो उसकी क्लास भी मैं जल्द से जल्द ले आऊँगा एग्ज़ाम होने से पहले। कभी फिर आप एग्ज़ाम के टाइम पर कमेंट करो, फिर दिक्कत हो। ठीक है, ज़्यादा कमेंट आए तो मैं आपको ज़रूर जो है क्लास दूँगा, वरना तो मैंने इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए
क्लासेस जो है कंटिन्यू कर रखी है सेकेंड ईयर वालों के लिए, आप लोग देखते नहीं हो यार, ये चक्कर है ना, तो प्लीज़ जो है क्लास देख लिया करो, तो आपका ही फायदा है उसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है उसमें प्रीवियस ईयर, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाले जो है पेपर में पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें कराए जा रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो आप देख लेना जैसा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को मैं करता हूँ यही समाप्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में आपके वीडियो में, धन्यवाद।